हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक शॉप क्रिएट करी है इट्सी पर, तो उस पर अगर आप एनालिटिक्स लगाना चाहते हैं उसको ट्रैकिंग के लिए कि कितना आपका ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए, तो आप कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल स्टेप है, इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताएंगे आपको, और एकदम इजी तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को इट्सी की शॉप पर, सो दैट कि आप ट्रैफिक को एनालिसिस कर पाएँ उसका, कि किस लेवल का ट्रैफिक है, ऑडियंस का क्या इंटेंशन है, लोकेशन का क्या है, क्योंकि इट्सी तो आपका वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है? तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए आपको एक एनालिटिक्स टूल की ज़रूरत होगी जो आप गूगल का यूज करके उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं गूगल एनालिटिक्स को ओपन करता हूँ, राइट। गूगल एनालिटिक्स को लॉगिन करने के लिए आपका एक ऑलरेडी अकाउंट होना चाहिए जीमेल पर। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको। तो गूगल एनालिटिक्स को लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक होना चाहिए पासवर्ड। यहाँ से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने एकदम फ्रेश अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अकाउंट नेम डालिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ओके। और उसके बाद में आप गूगल प्रोडक्ट सर्विस पे टिक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नाम डालना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी नाम मैं डाल देता हूँ। और यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, जहाँ जिस पे आपकी प्रायोरिटी रिपोर्ट चाहिए आपको, वहाँ से ये लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आप अपनी बिजनेस को कैटेगराइज कीजिए, यहाँ से आप अपनी बिजनेस की कैटेगरी देखिए क्या है आपकी। ओके, अदर्स बिजनेस एक्टिविटीज में डाल देता हूँ। बिजनेस साइज क्या है आपका, मैं स्मॉल रखता हूँ। ओके, आप भी अपने अकॉर्डिंग इस सबको कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, गेट बेस लाइन रिपोर्ट, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी कंबाइंड विद अदर्स। ओके, तो मुझे बेस लाइन रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट के लिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। और आगे एग्री पे क्लिक करके, एक और एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे पास में अभी क्या है, एक एज ए वेबसाइट यूआरएल है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल देता हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। ऑल रिपोर्ट्स, और क्रिएट स्ट्रीम कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक आईडी मिलेगा, ये इसको कॉपी कीजिए, ये क्लिपबोर्ड कॉपी हो गया। अब आप चलिए कहाँ आपको ये डालना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये डालना है वेब थर्ड पार्टी आईडी। अब यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, और इसकी थर्ड टैप है वेब एनालिटिक्स। तो यहाँ पे इस आईडी को आप यहाँ पे डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, यानी योर शॉप चेंजेज हैज़ बीन सेव्ड। तो इस तरीका से आप गूगल एनालिटिक्स को इट्सी की शॉप पर
इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ट्रैकिंग के लिए आप ये आईडी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अकाउंट का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।